हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश इलेक्ट्रिशियन में। तो दोस्तों, इस बार मैं आप सभी लोग के बीच में एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपके वायरलेस ब्लूटूथ का स्पीकर का वायर अंदर से टूट जाए तो उसे कैसे रिपेयर करें? तो दोस्तों, ये मेरे पास खुद का ब्लूटूथ है जो कि बोट कंपनी का है। इसका ब्लूटूथ का स्पीकर का वायर अंदर से टूट गया है, जो कि दोस्तों ये घिंचाव के कारण कोई अचानक घिस देता है झटके में, तो यह निकल जाता है वायर लेकर बाहर। तो इसका वायर एक अंदर से दोस्तों टूट कर बाहर आ गया है। तो इसे हम कैसे जोड़ें तो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप लोग भी अपने ब्लूटूथ स्पीकर का वायर आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसे सबसे पहले इसे आप लोग को क्या करना होगा कि इसका यह है जो है आप लोग को अलग कर लेना होगा। इसका जो होता है कवर जो ऊपर लगा रहता है कान के साइड लगाने के लिए, और एक कान में फंसाने वाला भी, दोस्तों इस तरह से आप लोग इसे निकाल लें। आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं ऐसे कर कर इसे निकाल लें। अब निकालने के बाद इसे दोस्तों हम कैसे खोलें आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ इसे खोलने का तरीका। तो दोस्तों, इसे खोलने के लिए आप लोग को एक गैप दिखाई जो दे रहा है ये ब्लूटूथ के अंदर, जो ये हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है, तो इसी में आप लोग को लेना क्या है। अगर आपके पास कोई खोलने की चीज़ है तो उससे खोल सकते हैं, तो नहीं तो आपके पास आपके घर में जो चाकू होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसे खोलने के लिए। तो दोस्तों, इस चाकू का मैं जो रेती टाइप चाकू है इसका इस्तेमाल मैं खोलने के लिए इसमें कर रहा हूँ। तो इसे खोलने के लिए इसे जो हल्का सा जो ये गैप लग रहा है दोस्तों, तो इसमें हम इसे इस तरह लगा कर दोस्तों इसे ऐसे ऐसे कर कर कुछ गैप बनाएंगे। फिर गैप बनाने के बाद उसको दूसरा चाकू लेकर ऐसे ऐसे कर कर खोलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं आप लोग को इसे खोल कर। तो और खोल कर सबसे पहले हम इसको गैप बनाते हैं ऐसे, देखिए दोस्तों, हल्का हल्का करिए जाकि कटे ना। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इसे हम ऐसे ऐसे कर लिए, और करने के बाद एक चाकू जो रेती वाला टाइप है धार वाला इसे एक साइड रख देते हैं। और रखने के बाद दोस्तों जो ये है चाकू जो एकदम सूट है दोस्तों जो चिकना वाला, इसे हम लेकर और इसे यहाँ हल्का से डालकर इसे ऐसे ऐसे करके देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे करके ये देखिए आप लोग आसानी से इसे खोल सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे पूरा खोल दिया दोस्तों। इसे स्पीकर का जो लगा हुआ था आगे वाला पोजीशन, ऐसे कर कर मैं इसे देखिए दोस्तों दोनों को मैं अलग कर दिया, और इसको अलग करके इसको साइड में रख देते हैं दोस्तों। इसको रखने के बाद ये वायर को हम जोड़कर आप लोग को दिखाते हैं। और इसको जोड़ने के लिए दोस्तों यह है जो इसको और आगे बढ़ा लीजिए ऐसे कर कर, और करने इसको कुछ आगे बढ़ाने के बाद दोस्तों इसको स्पीकर जो होता है ब्लूटूथ का, इसको अंदर डालकर ऐसे आप लोग बाहर निकाल लें। और निकालने के बाद दोस्तों इसको हम इसे देखिए दोस्तों, इसका एक वायर जो होता है माइनस प्लस भी इसमें होता है दोस्तों। तो यह वाला वायर जो है दोस्तों आप लोग को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल एक वायर दोस्तों यहाँ से, या इसका एक वायर यहाँ से टूट गया है दोस्तों। तो और इसे हम कैसे जोड़ें, आप लोग को जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए मैं बता। उसके लिए आप लोग को रांगा चाहिए, मेरे पास देखिए दोस्तों रांगा है, और रांगा चाहिए, और उसके बाद सोल्डरिंग आयरन चाहिए, और सोल्डरिंग चाहिए दोस्तों। देखिए मेरे पास सोल्डरिंग है और रांगा है, और इसी से हम इसके मदद से इस वायर को हम जोड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे जोड़कर आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों, वायर जोड़ने से पहले आप लोग वायर को छील लें ताकि वायर अच्छी तरह पकड़ ले सोल्डरिंग करते वक्त। तो आइए दोस्तों, हम इस वायर को हल्का सा चाकू या ब्लेड की सहायता से छील लेते हैं। ये मेरे पास चाकू है दोस्तों, इसी से हम इस वायर को हल्का सा छील कर फिर जोड़ कर आप लोग को दिखाते हैं। इस पर दोस्तों जो पर्त लगी होती है उसको थोड़ा सा छील कर हटाना पड़ता है ताकि सोल्डरिंग अच्छी तरह पकड़ ले। दोस्तों आप लोग छीलते नहीं है फिर जोड़ते हैं, बाद में यह निकल जाता है इसी वजह से। तो आइए दोस्तों, हम आप लोग को दिखाते हैं। इसे हम वायर को हल्का सा छील लिए हैं चाकू की सहायता से, और आप लोग को जोड़ कर दिखाते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए आप लोग को सोल्डरिंग और रांगा की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ये मेरे पास सोल्डरिंग है और ये रांगा है, तो इसी के मदद से हम इसे जोड़ते हैं।
तो आइए दोस्तों इसे हम देखते हैं, गर्म हो चुका है सोल्डरिंग और इस पर हम रंगा लगा रहे हैं। और दोस्तों थोड़ा सा रंगा आप लोग इस पर जो वायर छिले हैं उस पर लगा दीजिए, ताकि सोल्डरिंग करते वक्त स्पीकर पर ये वायर अच्छी तरह धर ले। तो आइए दोस्तों आप लोग को हम जोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए, तो इस पर हम वायर को हल्का सा लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर सोल्डरिंग, रुकिए दोस्तों, इसके ऊपर हम सोल्डरिंग, ये देखिए इसके ऊपर हम सोल्डरिंग लगा कर इसको जॉइंट कर दिए दोस्तों अच्छी तरह। हल्का सा सोल्डरिंग लगा कर इस पर ये देखिए दोस्तों हम इसे अच्छी तरह पूरा सोल्डरिंग कर दिए हैं, आप लोग को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों पूरी अच्छी तरह सोल्डरिंग में कर दिया हूँ इसका, और ये पूरी मजबूत तरह से जुट गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसे हम पुनः जैसे था वैसे इसे सेट करते हैं और सेट कर आप लोग को दिखाते हैं। तो इसे सेट करने के लिए इस तार को बैक करिए और स्पीकर को अंदर डालिए ऐसे। दोस्तों स्पीकर को ऐसे अंदर डालते हैं, डालने के बाद जो पीछे का भाग पीछे घसकाए थे दोस्तों उसको अंदर कर लेते हैं ऐसे। फिर इसका जो कैप निकाले हैं दोस्तों उसको हम सेट कर लेते हैं इसी में। तो आइए दोस्तों हम इस कैप को देखिए दोस्तों अच्छी तरह सेट कर लिए हैं। आप लोग के पास फेविकिप है दोस्तों तो उससे फेविकिप लगा कर इसे हल्का सा जोड़ दीजिए, ताकि ये बार बार खुले ना। एक बार खुल जाता है दोस्तों तो ये खुल भी सकता है। आप लोग के पास हो तो फेविकिप लगा कर इसे जॉइंट कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह आप लोग भी अपना ब्लूटूथ का वायर, स्पीकर का वायर जोड़ सकते हैं। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर अगली वीडियो में।